நாராயணன் ஜெய ஸ்தோத்திரப்பா வாக்கில வெல்கம் மாற்றமணி இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஆமென். தேவன் ஸ்தோத்திரம். ఆత్మశక్తి పొందను.
देवन पेरिटा खुदा के नाम पर वो फरोनो इजराइल बजल बदल बेटा वाले था वो फिरौन राजा तो इजराइली प्रजा को छोड़ेगा या नहीं बदल बेटा बदल इस सारे कपल सारे पाकिस्तान जेपन अगर नहीं छोड़ेगा तो इस बार मेंढक के आके भर जाएंगे कहता करता है फरोनो महामंत्र और कपल जैसा कपल पाकिस्तान माया कपल जो है हमारे जो तांत्रिक वो भी चमत्कार कर सकते वो भी जो है मेंढकों को उत्पन्न कर सकते कहते कहा उन्होंने हाँ मोशे मरे आए का अरोनो कहने थे जो है मूसा के कहने पर जब अहरोन ने लाठी उठाया आए का नदी लगे ले आए का चेपले के लंग का कपल बैठ कुछ नहीं पानी में से नदियों में से जो है मेंढक बाहर निकल कर आ गए मंत्र वाले ये शुरू थी तांत्रिकों ने भी वैसा किया मंत्र वाले चेस्टे तांत्रिकों के करने पर अन्य कपल बैठ कुछ नहीं जो है मेंढक सारे बाहर निकल कर आ गए अब मंत्र का लंग डालो तांत्रिक लोग ये कहते हैं मैं मुड़ा चेयेगा इनम कि हम भी कर सके हैं मैं मुड़ा चेयेगा इनम हमने भी इसे कर दिया है ओके जय शिरो ठीक है अच्छा कर किया उन्होंने मोशे ने कपल बैठ कुछ नहीं मूसा ने जो किया उसके द्वारा मेंढक बाहर आए मंत्र जैसा कपल बैठ कुछ सारे मिश्र देश की प्रजा फिरौन राजा की प्रजा के घरों में ही घुसे हैं प्रति गिन्नेल लो कपले नील लो कपले ग्लास लो कपले वालने का कपले पांडुकोंडे कपले बारा बारा फिरौन राजा की जो प्रजा है मिस्र देश के लोगों के हर एक घर में उनके हर एक बर्तन में पानी में हर एक ग्लास में जो है बेटा की बेटी ना उनको सोने को चैन ना वो लोग रह सकते बहुत तकलीफ उन्हें हुई मंत्र का जैसा कपल बड़ा वाला में ना पड़े तांत्रिकों ने जो मेंढकों को उत्पन्न किया वो मेंढक भी उन मिस्र देश की प्रजा के ऊपर ही आए हैं मंत्र का जैसा हाँ तांत्रिक लोग करते होंगे पर जो वो लोग जो गड्ढा खोदते उसमें वही लोग दिखते हैं क्योंकि यहाँ पर हुआ है ये देवन बिडला को रूप में पड़ा ये खुदा के बच्चों के विरुद्ध किया गया कोई भी हथियार या कोई भी तंत्र मंत्र जो है वो कामयाब नहीं होता वो राजा लोग तांत्रिकों का सहारा लेते हैं शक्ति उन तांत्रिकों पर जो है आशा लेने वाले वो राजा लोग वो तांत्रिकों की शक्ति जो वो सब जो है तहस नहस होने पाए पिछले हफ्ते में ही कहा है तुमसे मध्याकाश में जो शैतानी शक्ति उन सबको जो इस धरती पर बुलवाया है वो मध्याकाश में रहने वाली बहुत ही क्रूर शैतानी शक्ति वो इस धरती पर उतर कर आई है जहे एक साल पहले ये हुआ है उन शैतानी शक्ति को अब हम बांध रहे हैं रोज आधा घंटे से वो शैतान शक्तियों बंधिचे मार्टल पकड़ जय हर दिन जो आधा घंटा शैतान शक्तियों को बांधने वाली उन बातों को कहो उसके लिए अलग से समय देना तो ऐसी जरूरत नहीं ड्यूटी आप जब घर में चलते हो जब अपने काम के लिए जब जाते हो ड्यूटी के लिए जाते हो जय जल्दी जल्दी चलो धीरे धीरे ना चलते हुए जब आप कदम रखते हो शैतान यीशु के मसीह के नाम में तुम प्रभु चल रहे हैं के नाम शैतानी शक्ति यीशु के नाम में पाताल में बांध रहे थे कहना है आप इस तरह से बोलते हुए जब आप चल रहे तो अपने कदम बड़े ही मजबूती से रखो ताकि शैतानी शक्ति को बोलते हुए कुचलते जाओ मेरा मंत्र लक्ष्य हजारों तांत्रिकों ने जो लाखों शैतानी शक्तियों को इस धरती पर उतारे वो सारी शैतानी शक्तियां पाताल में ही चली जाना जनवरी के महीने तक जो है इस काम को करते अभी से लेकर जनवरी के महीने तक अगले साल की जनवरी तक सारे शतांश भाग जाएंगे करेंगे क्या आप इस काम करोगे इस काम को कुछ लोग आप शैतानी शक्ति को यीशु मसीह के नाम में अब लोग यो का फरो राजा छे फिरौन राजा आकर मोशे दगड़ा मूसा के पास हाँ ये रिस्तो वो रोता है क्योंकि सारे लोग विरोध कर रहे हैं फिरौन राजा मोशे भी कहीं बोल रहे हो तुम मूसा के ऊपर क्यों चढ़ रहे हो
में विचमट रहा हूँ उनकी प्रजा को छोड़ दो ना बादल भरी चले के बोलते तकलीफों का हम नहीं उठा पा रहे हैं बादल नहीं मनाते मांग बादल उस रही अगर उन्हें कुछ कहे तो हमें बाधाएं आएगी अपने वाले ये मानो तो इसे उन्हें कुछ ना कहो और देवल बिठा दो बोलो खुदा के लोग हैं मनाते मांग बादल उस रही उनसे अगर कुछ कहोगे तो हमें और तकलीफ आएगी हम इन बाधाओं को सह नहीं पा रहे और राजा आप ही कुछ करो विचपेटो उन प्रजा को छोड़ दो फिरौन आकर मोशे देकर मूसा के पास वो रोता है अय्या कहता है अय्या इन मेंढकों को हटा दो इन मेंढकों को हटा दो खुदा से कहो भयंकर बाधा बहुत ही भयंकर बाधा है ये चाहे पूरे शरीर पर पकड़ दिए हैं उन मेंढकों ने क्रीम पेटा बहुत रहे जो किसी प्रकार से क्रीम लगाए भी तो वो नहीं हट दूर हो रहा है चाहे पूरे शरीर पर उन्हें उस बात की तकलीफ है पूरे घर में ही बात की इन्हें निकाल दो इन मेंढकों को हटा दो खुदा से कहो आप तुम्हारे शत्रु आकर तुमसे ये कहने पाए अय्या कि अय्या बादल ये सारी बाधाएं हैं ये सारी बाधाएं हैं तुम्हारे खुदा से कहो हमारे शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो खुदा उनकी बाधाओं को दूर कर देंगे हालेलुया हालेलुया करोगे क्या करोगे क्या करोगे क्या हालेलुया हालेलुया जय खुदा ने जो उनकी बाधाओं को हटा दिया उन मेंढकों को जो पूरी तरह से हटा दिया वो सारे मेंढक बाहर आके वो जो है रेत के पूरे जो ढेर के समान बन गए सारे जो मेंढक वो मर गए बादल हुए नहीं अब उनकी तकलीफ जो वो दूर हुई तुम्हारे में मेंढकों की जो बदबू बहुत ही बुरी थी पूरी तरह से हवा प्रदूषित हो गया था बहुत ही बुरी बदबू थी देवने का महिमा छोड़ा खुदा की महिमा जो वो लोग थे और वो चूशन फिरौन ने ये देखा देवने महिमा चूशन खुदा की महिमा को देखा देवने महिमा चूशन खुदा की महिमा को देखा है मचे पड़ा जब अच्छा हो गया है वो मचे रहेगी तो देवड़ा हो समझे अब अच्छा हो जाए उसे खुदा की जरूरत नहीं है माला तो डैम पापा फिर कहता है फिरौन राजा की मैं नहीं भेजूंगा इजराइल प्रजा को मैं नहीं भेजूंगा मैं बिलन मम्मा मैं इन्हें नहीं भेजूंगा कहता है मंचे में करा अब अच्छा हो चुका है ना देवड़े को अब उसे खुदा क्यों चाहिए हाँ దేవుడు ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత నిన్ను బాగు చేశాడు యహా పర్ ఆనే కే బాద్ ఖుదా నే ఆప్కో అచ్చా కియా హై రక్షణ ఇచ్చాడు ఆప్కో ఉద్ధార్ దియా హై ఇన్నో మేలు చేశాడు ఇన్ని కి భలాయి ఆప్కే జీవన్ మే హుయీ హై చూడండి దేవుడు చేసిన మేలు ఫరో మార్చినట్లే కొందరు మరుస్తా ఉంటారు ఖుదా కే కియే హుయే భలాయి కే కామ్ కో దిశా సే ఫిరౌన్ నే భూల్ గయా వసా థోడే లోగ్ భూల్ జాతే హై హల్లెలూయా హల్లెలూయా దేవుడు ని బాగు చేసింది నీ మేలు చేసింది ఏదో భూమిని శుభ్రం కొనడానికి అంతే కాదు కానీ స్వర్గాన్ని కొనడానికి పరలోకాన్ని కొనడానికి जय खुदा ने आपको ठीक किया आपके जीवन में भलाई किया आप यहाँ पर इस दुनिया में सुखी रहो परंतु सबसे ज्यादा आप स्वर्ग जाने के लिए परलोक जाने के लिए नी तल्ली नी तंद्री नी बंधुओं ने मार्चना नीव देवनी मारो जय चाहे तुम्हारे माता पिता तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें भूल जाए परंतु तुम जय खुदा को कभी नहीं भूलना जय भूलना नहीं मतलब जय खुदा को याद करना माने खुदा की भक्ति करना चाहिए प्रार्थना में जय समय देना सेवा के लिए समय देना आप अपनी नौकरी से वो आप करो पैसा कमा कौन मना करता है इस काम के लिए खुदा की सेवा माने प्रजा के लिए प्रार्थना करो आप ये फिरौन ने क्या किया वो ठीक होने के बाद जब खुदा ने ये तो अब इस तरह से कह रहा था समझ में आ रहा हालेलुया पढ़ा वचन 16वां वचन चलो आठवां अध्याय 16वां वचन निर्गमन पुस्तक हालेलुया आमेन अब वो इजरायली प्रजा को नहीं छोड़ रहा था खुदा ने कहा मूसा से चाहे लाठी को उठा कर मारने को कहता है अहरोन कहने को जब उस धूल पर जो है मारने को कहता है उसमें से चिड़िया बाहर निकल कर आएंगी जुए निकलते सरगी जब अहरोन अपनी लाठी उठाकर उस धूल पर मार देगी जब उस हवा में से उस धूल में से जो जुए जो निकल कर आए हैं हालेलुया सर पे जू नहीं वल्लंता पेले पूरे शरीर भर में जू ही थे वल्लंता पेले पूरे घर भर में जू ही थे प्रति गिन्नेलो पेले हर एक बर्तन में जू ही थे परवाता वाला पशुओं में पेले और उनके पशुओं के ऊपर भी जू ही थे वाला गोड़ में पेले जो उनके जो है गोबर जो है मेंढकों पे जो है बकरियों पे जो है
जहां कहीं भी देखो जुए नहीं इसराइल प्रजा के किसी भी चीजों पे वो नहीं आए पर जो इसराइल प्रजाओं की जगह पे नहीं आए मिस्र देश में ये हो रहा है जब मिस्र देश के लोगों के घरों में पूरे जुए हो रहे हैं वो जुए जब काट रहे हैं बहुत ही भयंकर बाधा ताकि जो फैसले आ रहे थे उन पर एक के ऊपर एक और के ऊपर एक ये लोग जो पाप में वो बढ़ते जा रहे थे जो पाप में बढ़ रहे हैं वैसा वैसा खुदा का फैसला आ रहा है ये आखिरी दिनों में है आखिरी दिनों में है वैसे ही खुदा के फैसले आते रहेंगे पाप करने वाला और पाप करता रहता है परिशुद्ध रहने वाला इंसान और परिशुद्ध बनता है वैसे दिनों में है हम जहाँ कहीं भी देखो बहुत ही विपरीत तांत्रिक भी ये कर सकते हैं हाँ वो सांप का चमत्कार वो लोगों ने दिखाया जय हमारे तांत्रिकों ने पानी को खून बनाया है नहीं हमारे तांत्रिकों ने मेंढकों को भी लाया है तांत्रिक अपने तांत्रिक शक्ति के द्वारा कर रहे हैं हमारे तांत्रिक भी ऐसा कर सकते हैं तांत्रिकों को बुलाया गया वचन में हम चौथी बार करने के लिए वो गए वो नहीं कर सके वो जो अपनी लाठियों को लेकर धूल पर मार रहे हैं कोई जू नहीं निकल कर आ रही ये जो जू वो बढ़कर इन तांत्रिकों को भी काट रहे थे वो तांत्रिक इस काम को नहीं कर सके हालेलुया जब आप प्रार्थना करते हो वो मंत्रशक्तियां दूर हुई है फिर वो लोगों ने तंत्र मंत्र किए होंगे ये जो साधारण रीति से होता है फिर जो है मंत्र शक्तियों का जो वार हो रहा है तुम पर आपके प्रार्थना करने वो फिर चले जा रहे फिर कर रहे हैं उनके तंत्र मंत्र घड़ी घड़ी जब वो कर रहे हैं उन्होंने जो शैतानों को भेजा वो शैतान उल्टा उन्हें ही वार करते हैं निजंगा जरी नहीं दिशा कितने ही लोगों के साथ सच्ची में ये घटनाएं हुई है वो जाकर शैतान उन तांत्रिकों से कहते हैं हम उनके ऊपर नहीं जा सकते उनके चारों ओर अग्नि है हम नहीं जा सकते हैं बार बार भेजोगे हमें वहाँ वो तांत्रिक हम तुम्हें ही नाश करेंगे वैसा डर गया सो तांत्रिक कितने ही सारे हैं खुदा के बच्चों पर अगर वो कुछ करे तो तांत्रिकों से तुम डर जाओगे नहीं तुम तांत्रिकों का सामना करोगे मारने के लिए लकड़ी लेकर उनके पास दौड़ोगे नहीं तो प्रार्थना के द्वारा आप उन्हें हराओगे क्या तुम ऐसा क्यों कर रहे हो ऐसा नहीं तो प्रार्थना से तुम जीत हासिल करोगे उस पर हाँ बस प्रार्थना करो तुम शैतानों को आप डांटो पाताल में चले जाओ वो भाग यीशु के नाम में उन्हें भगाओ वो भाग जाएंगे पाताल एक बार कर रहे हो दो बार कर रहे हो आप उन्हें भगाते ही जाओ तीसरी बार भी आते होंगे आप उन्हें से भगाते ही जाओ चौथी बार करते होंगे परंतु उनका कोई भी हथकंडा काम नहीं आएगा वो नहीं कर पाए हैं जय खुदा की शक्ति का सामना करने के लिए कोई तांत्रिक शक्ति आगे नहीं आ सकती वो कोशिश करते हैं कि वो ही खुद नाश होते हैं आपको खुदा की शक्ति चाहिए तो मंत्र शक्ति चाहिए आपको गुर्स को
ओकदिको सिल्वा ओकदिको ताहिता जब आपके गले की जो चेन है उसमें एक तरफ क्रूस और दूसरी तरफ ताबीज रहना है क्या ऐसा है तमन्ना ना ऐसे ईसाई बहुत से हैं निकु देव शक्ति वाला नहीं हम शक्ति वाला आपको खुदा की शक्ति चाहिए तो शैतान की शक्ति चाहिए देव शक्ति वाला मात्र शक्ति वाला आपको खुदा की शक्ति चाहिए तो तांत्रिक की शक्ति चाहिए Came forth fingers of a man's hand
And brought over against the candlestick upon the plaster of the wall of the king's palace. And the king saw the part of the hand and the throat. Then the king's countenance was changed and his thoughts troubled him, so that the joints of his lines were loose and his knees smote one against another. Hallelujah. जब राजा के महल की दीवार पर इतना चेहरा ची इतना जो है हाथ आकर रास्ता होना वो लिख रहा है रास्ता होना लिख रहा है वो हाथ तो ये तो भाषा में रास्ता होना तो किसी भाषा में लिखा जा रहा था इतना चेहरा इतना हाथ आकर इतना चेहरा वो जो है चमकता हुआ वो रास्ता होने वो जब वो लिख रहा है जब उसका सारा मुंह बिगड़ गया था मुंह लटका गया चाहे एक में केसर उसके जो पैर में वो हिल रहे थे वो बड़ा कांपता जा रहा था जब वो हाथ लिख रहा था कि ये क्या हाथ है सिर्फ इतना ही हाथ है इतनी बड़ी दीवार पर वो किसी भाषा में लिखा जा रहा है वो पीने का वो नशा पूरा उतर गया वो जो बहुत ही कांप रहा था उस हाथ को देखकर मंत्रियों को बुलवाया देश के तांत्रिक सारे आए शकुनी लोग आए हैं वैज्ञानिक आए हैं कि ये क्या लिखावट है ये क्या है पढ़कर मुझे बताओ मैं क्या राजा सब लोग पढ़ रहे थे कोशिश कर रहे थे कौन सी भाषा में नहीं समझ में आ रहा था कौन सी भाषा में नहीं समझ में आ रहा था उस देश में सब भाषा के लोग हैं लोकमलोग ना प्रजा भाषा हिंदी राली दुनिया की कौन सी भाषा है वो भाषा अर्थात में तेरे वो भाषा में समझ नहीं आ रही है जय उनको बड़ी जो घबराहट हो रही है राजा कहता है ये भाषा का मतलब जब अगर कोई उस भाषा का मतलब समझाएगा देश में वो आने ने मूड और राज का जैसा इस देश का मैं उसे तीसरा राजा बनाऊंगा कहता है इतनी गिफ्ट से सारा को इतने तोहफे में उसे दूंगा कहता है भाषा का मतलब पढ़ने इस भाषा का जो अर्थ बताओ कहता है कोई नहीं बोल पाया देवनी विषय लो मंत्र को अर्थ बताओ खुदा के विषय तांत्रिकों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आते विषय साइंटिस्ट को अर्थ बताओ खुदा के जो विषय है वो वैज्ञानिकों को बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं साइंटिस्ट का अर्थ मैं कदी ये दुनिया की सारी विषय वैज्ञानिक जानते होंगे देवुड़ देश ने रिसर्च जैसे कर गाने क्रिएट चेले वाले परंतु खुदा ने जो किया है उस कामों की वो जो खोज करते परंतु जो उसे बना नहीं सकते हैं वो फॉर्म ऑफ मेटल ने इनको फॉर्म का मार्च कर एक मेटल के तरीके को दूसरे फॉर्म में वो बदल सकते हैं ये मिले दाने मात्रम क्रिएट मात्रम यवोल जीरन बिकॉज़ दे आर नॉट क्रिएटर्स बिना किसी में से कुछ चीज बनाना वो नहीं कर सकते क्योंकि वो बनाने वाले नहीं है वो लोग इस बात की खोज कर सकते हैं समझ में आ रहा है तो मेटल से इनको मेटल में कन्वर्ट चेगलर एक मेटल से उसे दूसरे मेटल में बदल सकते हैं वो गैस से इनको गैस में कन्वर्ट चेगलर एक गैस में से दूसरे गैस में से बदल सकते हैं वो केमिकल में से इनको केमिकल में कन्वर्ट चेगलर एक केमिकल में से दूसरे केमिकल में वो उसे बदल सकते हैं ये लेन ताले क्रिएट चेले परंतु जो कुछ भी नहीं है उससे से कुछ तैयार खुदा के जो विषय लोगों को समझ में नहीं आता है कोई भी बोल नहीं सक रहे थे राजा के तक बुलाओ अगर कोई हो तो ये राजा बड़ा घबरा रहा था इसके बाद क्या होगा इसके बाद क्या होगा ये हाथ आकर लिखा ये क्या है कि कर वो खुदा के विरुद्ध चला है వెంటనే ఆ రాణి వస్తుంది జల్దీ వాకి రాణి ఆతీ హై రాణి వచ్చి రాణి ఆకు కహతీ హై ఓ రాజా భయపడకు తుమ్ డరో మత్ ఇది నీకు అర్థం అయితలేదు ఇది నీకు సమజ్ నహీ ఆ రహా హై లోకంలో ఎవ్వన్ కర్దం కాదు దునియా మే కిసీ కో భీ యే సమజ్ నహీ ఆయేగా లోకంలో ఎవ్వన్ కర్దం కాదు దునియా మే కిసీ కో భీ యే సమజ్ నహీ ఆయేగా తెలుసు ఇది మే యే జాంతీ హూ మే నెబుకద్నెజర్ మే నారాగరుండే తుమారే జో పితా హై నెబుకద్నెజర్ అప్పుడు ఇలాంటి సంఘటన జరిగినాయి ఉస్ సమయ ఐసీ ఘటనాయే హుయీ హై మే మంత్రణ చెప్పలేక వేడు తాంత్రిక్ భీ నహీ కహ సకా ज्ञानी भी बता नहीं सकता परंतु केवल एक व्यक्ति है वो एक व्यक्ति है कहाँ है वो प्रेम पॉल में वो प्रेम पॉल में है हालेलुया 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 आप ही हो वो व्यक्ति आप ही वो दानियल हो हालेलुया के समान दानियल के समान के समय में वस्त्र
ఉండు ప్రభు అవాస్తో ప్రజాచ ప్రజాతి కహో ప్రజాతి బిల్లి పంపొట్ ప్రజాకు శాంతి సుఖ సమాధానం మిలేగ హల్లెలూయా హల్లెలూయా అవండుంది ఎతి హే ఓ రాజా సర్వశక్తి దేవుడు సర్వశక్తిమాన్ ఖుదా సర్వశక్తి దేవుడు సర్వశక్తిమాన్ ఖుదా కైన లోపల ఏ వ్యక్తి కే అందర్ జ్ఞానం పెట్టడు ఉస్ జ్ఞాన్ కో రఖా హే హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆయన పేరు దానియేలు ఉస్ వ్యక్తి కా నామ హే దానియేలు ఆయన పేరు దానియేలు ఉస్ వ్యక్తి కా నామ హే దానియేలు పదకొడొచ్చు కింగ్డమ్ ఇన్ హూమ్ ఇస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ హోలీ గాడ్ ఇన్ ద రేస్ ఆఫ్ దే ఫాదర్ లైట్ ఆఫ్ Understanding and wisdom, like the wisdom of stars, was found in him. Hallelujah. Hallelujah. Who would ever know? Who would ever know? Daniel looked at the word of God. Daniel me dikhai deta hai. Daniel looked at the word of God. Daniel me dikhai deta hai. देशों लोग ज्ञान लखन का इस देश के सारे ज्ञानियों के लिए ज्ञान करो तुम्हारे पिता ने और दानिय्येल ने अधिपति का बेटे ने दानिय्येल को अधिपति ठहराया है हालेलुया उसके अंदर देवुंदेरो ना ज्ञान मनदी खुदा के पास का ज्ञान है और as much as an excellent spirit and knowledge and understanding interpreting of dreams and showing of hearts and senses and dissolving of doubts were found in the same Daniel. Hallelujah. 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 Daniel was not given a monadi. Us Daniel me is prakar ka gyan hai. Vivechana monadi. Uske andar vivechana hai. Agar kartam jaise ek gyan monadi. Sapno ka matlab samjha sake ye gyan hai. Ye vishala mudi ka unte ya mudi bhi pe gyan monadi. Kisi bhi baat ek gaant bani hai to us gaant ko khol sakta hai. Inhe jo doubts unte doubts se clear jaise gyan monadi. Is prakar ke shab ko to us shab ko wo dur karne ka gyan rakhta hai. Meri aatma aine lo pata hota hai. Taki aatma wo unke ये जो मुश्किल वाक्य लिखा गया है इसे वो समझा सकता है इसे वो बता सकता है हालेलुया 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 समझ में आ रहा है ज्ञानम उस दैविक ज्ञान को तुम पालो स्पेंड टाइम बिफोर गॉड खुदा के आगे समय बिताओ आप देवन देयर टाइम बिटो खुदा के पास अपने समय बिताओ देवन इज स्वरम खुदा की आवाज को देवन ज्ञानम खुदा के ज्ञान को आप पाओ राजाओं को जवाब दे पकड़ा ऐसे राजाओं को जब जवाब दे सकते हो राजाओं को समाधान चपगलो टेंशन से भरे हुए राजाओं को आप जो समाधान दे सकते हो दुनिया में कोई नहीं कह सकता है केवल एक ही व्यक्ति वो है दानियेल आज के दिन आप हो वैसे दहशत से भरे समाज को जवाब देने वाले दानियेल के समान आप रहो दानियेल के समान आप रहो आज खुदा आपको जो बुलाते हैं दानियेल के समान तुम रहो हालेलुया 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 ज्ञान की कमी है तो मांगो उस खुदा से खुदा कहता है वो देख सोलोमन राजा को दिया सब ज्ञान दानियेल के पास वो ज्ञान के लिए अन्य जाति की स्त्री है कहती है दानियेल अपने बारे में नहीं बता रहा है तो एक दूसरी अन्य जाति स्त्री है कहती है कि एक दानियेल व्यक्ति है उसके पास दैविक ज्ञान जो है गांठ बनी हुई बातों को वो गांठ खोल कर बताता है खुदा की आत्मा उनके अंदर है उस आत्मा को तुम पाओ उस ज्ञान को जो खुदा के ज्ञान को तुम पाओ हालेलुया खुदा आपको बुला रहा है खुदा जो आपको बुला रहा है हालेलुया 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 खुदा जो आपको बुला रहा है उस आत्मा को पाने के लिए ने जो पाई आत्मा उस आत्मा को पाने के लिए दहशत से भरे हुए समाज को आप जो जवाब दे सकते हो हालेलुया हालेलुया उस दानियेल को बुलवाया गया दानियेल से जो राजा ये कहता है कि अय्या वो जो है बड़ा घबरा हुए डरते हुए रोते हुए कहता है दानियेल से अय्या तेरे एक हाथ आया है इतना सा वो हाथ है और वो उंगली जो वो लिख रही है और वो जो उंगली जो वो लिख रही है अब मुझे डरना शुरू लग गया मुझे डर लगना शुरू हो गया हालेलुया मूर्ख मेरा राजू ये मूर्ख राजा किसी से ना डरने वाला ये राजा वो खुदा के आगे डरना ही आवश्यक है हालेलुया मनुष्य काट जब वो जो राजा वो केवल एक इंसान है परंतु खुदा इंसान नहीं है वो देव तो चलगा मार मंच
जय खुदा के हाथ में चोली खेलना जो वो अच्छी बात नहीं है चले बेटा मार दे ये खुदा के संग हाथ में चोली खेला है मना बड़ा जाग कर मंडा हमें भी बड़े की खबरदार रहना है देव उड़ की वंश है रेफरेंस मान देव किया खुदा को जो देना चाहिए उनको तवज्जो आपको देना चाहिए क्योंकि वो खुदा और आप इंसान हो आप मिट्टी के बने इंसान हो ज्यादा में ज्यादा 50 या 70 साल ही जियोगे और आपको तो मरना ही है किससे डर कर आपको जीना है जब खुदा जो सृष्टिकर्ता है सृष्टिकर्ता देव पड़ा वो सृष्टिकर्ता खुदा से आपको डर कर जीना है कितने ही सारे तोहफे इनाम दूंगा अवार्ड दूंगा आज के जमाने में सेवा के लिए अवार्डों के लिए सेवा करते हैं रिवार्ड्स अवार्ड्स इनामों के लिए అవార్డ్స్ ఇవ్వని నీవు చేసిన మంచి పనులకు అవార్డ్స్ ఏది రివార్డ్స్ ఏది మంచిదే కానీ దాని తరఫు చేయడం మంచిదా ఆకి కియవే సేవా కార్యకే ఆకు ఇనామ్ ఆర్ అవార్డ్ మిలే వో అచ్చా హై పర్ ఉస్కి ఖాతిర్ కర్నా సేవా యే అచ్చి బాత్ నహీ హల్లెలూయా 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 ఓ రాజా ఓ దానియేల్ నిన్ను మూడో రాజుగా చేస్తా ఓ రాజా కే ఓ దానియేల్ నిన్ను మే తీసరా రాజా బనావుగా దీని అర్థం చెప్పు ఇస్ బాత్ కా జో మతలబ్ సంజావో దానియేల్ అంటాడు దానియేల్ నే కహతా హై నీ అవార్డ్స్ నీ రివార్డ్స్ నీ నెతి మీద పెట్టుకుంటా జే తుమ్ అప్నే సారే అవార్డ్స్ इनाम भी तुम अपने सर पर ही रखो तीसरा राजा बनने ये मुझे कोई जरूरी नहीं है मैं खुदा के नाम पर आया हूँ बात को पढ़कर उसका मतलब बताऊंगा खुदा से पूछ कर मैं तुमसे रहस्यों को बताने वाले खुदा है वो सारे राज को खोलने वाला खुदा है वो मैं उनके पास से पूछ कर मैं तुमसे कहूँगा तुमने उस खुदा को महिमा नहीं दिया है ముక్కులు ఊపిరి పెట్టింది డాక్టర్ కాదు దేవుడు తుమారి నాక్ మే సాంస్ ఫూకనే వాలా కోయి డాక్టర్ నహీ పరంతు ఖుదా హై సమజ్ మే ఆ రహా హై నీ నీ బాడీలో ఊపిరి ఉందని ఇగ విరవిట్కుంట పోతున్నావు జే ఆకే శరీర్ మే జాన్ హై కేక ఆప్ జో ఇస్ బాత్ కా బడా గర్వ్ కర్తే హో ముక్కులు ఊపిరి పెట్టింది ఎవరు ఆకి నాక్ మే సాంస్ ఫూకనే వాలా కౌన్ హై ఎవరు కౌన్ హై ఆకి నాక్ మే సాంస్ ఫూకనే వాలా ఖుదా హై వో డాక్టర్స్ నీ బాడీ మే ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు వచ్చు जय आपके शरीर का इलाज करते हैं डॉक्टर्स वो लोग सांस जान नहीं डाल सकते आपके शरीर में जब आप पैदा हुए आप में जान डालने वाला खुदा है वो हालेलुया समझ में आ रहा है हालेलुया जय जब तक हमारे अंदर जान है हमें गर्व करना नहीं है Jesus, I love you, God.
वाले खुदा है आपका जो कुछ भी वो सब खुदा ने दिया है उस खुदा को ना भूलो आप थोड़े जो खुदा को भूल रहे हैं इससे पहले कहते थे ऐसा चाहे सिनेमा ना देखो के खुदा में जो है प्रार्थना में समय रखो सिनेमा 3 घंटे वो सिनेमा जो 3 घंटों का भाई इससे भी बड़ा जो शैतान आया है सीरियल माने उसका कोई अंत ही नहीं समय का जो बहुत ही उपयोग करो क्योंकि वो समय बहुत ही कम है आपके अंदर सांस फूंकने वाले कौन है संतोषम मंदिर चाला मंदिर देवुड़ वाणी पैक తీసుకొచ్చాడు खुशी की बात है बहुत से लोग यहाँ पर खुदा ने उनको जो उच्च स्थान पर रखा है चाला मंदिर डॉक्टर्स गए बहुत से जो है डॉक्टर्स बने हैं चाला मंदिर डॉक्टर्स गए बहुत से लोग जो डॉक्टर्स बने हैं संतोष खुशी की बात है हमारे पास एक सिस्टर है डॉक्टर कावानी कष्ट है डॉक्टर बनना तो बड़ा मुश्किल है अंत चाला कष्ट बहुत मुश्किल खुदा ने जो उसका जीत हासिल करवाया डॉक्टर की तरह वो मेरे संग सेवा के लिए आई थी वहाँ जब गया हालेलुया खुशी की बात है जब आप डॉक्टर की तरह बढ़ोगे तो आप जो जान फूक सकोगे इवन डॉक्टरों के अंदर सांस फूकने वाले कौन है खुदा है जब तक मेरे अंदर सांस है उस खुदा की प्रस्तुति करूंगा हालेलुया चूसता हूँ उस खुदा की ओर ही मैं देखता रहूंगा कंडो सीरियल की बंद मेरी आंखों को सीरियल की ओर से बंद करता हूँ मेरी आंखों को खुदा की ओर जो है मैं खोलता हूँ जैसा बचत करो कहता है तुम्हारी नाक में सांस फूंकने वाला वो खुदा वो महिमा पर्चन तुमने उस खुदा को महिमा नहीं दिए हो सारी प्रजा बॉडीज लो वाले शरीरों लो ऊपर पोषण देवुनी महिमा पर्चन दाखा सारे लोग उनके शरीर में सांस को फूंकने वाले उस खुदा को वो महिमा देने पाए हालेलुया हालेलुया अंजुनी कहते हैं ओ राजा रात इनंते वो ये लिखा गया है कि मैंने टेकल को फांसे जब मैंने टेकल को फांसे कहकर हालेलुया दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द थिंग इन रेवोलुशन मैंने God had numbered that kingdom and finished it. खुदा ने तुम्हारे राज्य का जो दिनों को गिन रखा है तुम्हारा राज्य जो समाप्त हो चुका है నిన్ను దేవుడు త్రాసులో వేసి నువ్వు అవన్నీ పాత్రలో తాగుతున్నావు కదా నిన్ను దేవుడు తన త్రాసులో వేసి తూకం వేసేట్టు నీవు పోవడానికి సిద్ధమైన అంటున్నావు इस धरती पर तुम्हारी जिंदगी का जो अंत हो चुका है हालेलुया हालेलुया अंडर नो पेरेस अंडे पेरेस माने
మాదిగా పారసిక రెండు దేశాలకు రెండు రాజులకు నీ దేశం డివైడ్ చేసి దేవుడు ఇస్తున్నాడు. మాదియా ఆ పార్సీ లోగో తుమ్హారే రాజ్య దో హిస్సో మే బాట్ కో ఖుదా దే రహా హూ. ఈ రాజ్యం ఎందో నీ తత్కాల ఉండేది కాదుగా. తుమ్హారా జో రాజ్య కో నిరంతర రహనా నహీ. ఆ రాజ్యం డివైడ్ అవుతున్నది. ఉస్ రాజ్య కో దో భాగో మే బాటా జాయేగా. మాదియా పారసీకులు రెండు రాజ్యాలుగా మారుతున్నారు. మాదియా ఆ పార్సీ రాజ్య కే రూప్ మే వో బదలేగా. హల్లెలూయా. భూమి మీద రాజ్యాన్ని నిలబెట్టే దేవుడే. జయ ఇస్ ధర్తీ పర్ రాజ్యం కో బనానే వాలే సరిగా రాజ్యం చేయకపోతే తీసేసేది దేవుడే. సహీ తర రాజ్ నా తరగతి నికాల్ దేనే వాళ్ళు ఖుదా హీ హై. నెబుకద్నెజర్ రాజుకు దేవుడు రాజ్యం ఇచ్చాడు. నెబుకద్నెజర్ రాజాకు ఖుదా నే రాజ్య దియా. తర్వాత బెల్షస్సార్ కి రాజ్యం ఇచ్చాడు. ఔర్ జహే బెల్షస్సార్ కు రాజ్య దియా. ఖుదా నే మూర్ఖ పని చేసిండు. ఇతనే మూర్ఖ తా బరా కామ్ కియా హై. ఆ రాజ్యం డివైడ్ చేసి మాదియా పార్సీ కా రాజుల కడే పర్షియన్ సి దేవుడు ఇస్తున్నాడు. ఉస్ రాజ్య కు దో భాగ్ మే కరకు ఖుదా జే మాదియా ఔర్ పర్షియన్ జే పార్సీ లోగో కు జే ఖుదా ఉస్ రాజ్య కు దే రహా హై. మాదియా వాళ్ళ లోకంలో సగం ఏరియాలో పర్షియన్స్ సగం అంటే ఏరియాలో మందరంగా పర్షియన్స్ వచ్చారు కదా. జహ మాదియా లోక్ జహే జహ పూరే దునియా పర్ రాజ్ కియా. పర్షియన్స్ లోక్ జో హమారే దేశ్ మే భీ ఆకే వో లోగ్ నే ఆజాద్ పూరీ దునియా పర్ రాజ్ కియే హై. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. తోడే నీ రాజ్యం దివాడే అయిపోయింది రెండు ఇద్దరికి చేస్తారు నువ్వు ఉండవు అయిపోయింది నీ దినాలు పూర్తి అయిపోయినాను. కేతా హై జహే తుమారా రాజ్య జో ఉన్ దోనో కో దే దియా జాయేగా తుమారే దిన్ పూరే హో జాయేగా తుమారా రాజ్య సమాప్త హో జాయేగా. దేవుని చెయ్యి రాసిన ये जो लिखावट है खुदा के हाथ ने इसको लिखा है. शक्ति और कोई नहीं खुदा की उंगली है वो खुदा की उंगली है वो ये खुदा की उंगली कितने लोगों को चाहिए. खुदा की उंगली कितने लोगों को चाहिए. खुदा ने आपको अपनी आत्मा दिया है उसे ठंडा ना कर लो. आत्मा खुदा ने आत्मा के वरदानों को दिया है उसे ठंडा ना कर लो. प्रवचन वाला खुदा ने आपको प्रवचन का वरदान दिया है उसे ठंडा ना करो. हालेलुया. खुदा ने आपको चंगाई देने वाला वरदान दिया है उसे ठंडा ना कर लो. खुदा ने दर्शनों का मतलब समझाने का जो वरदान दिया है सपनों का अर्थ बताने का जो वरदान दिया है आपको चाहिए क्या खुदा की वो उंगली नहीं तो तांत्रिकों की शक्ति चाहिए आपको. कौन सी शक्ति चाहिए आपको. खुदा की शक्ति चाहिए. प्रेयर पावर चाहिए. सुपर पावर. सुपर पावर चाहिए. सुपर नेचुरल पावर चाहिए आपको. हालेलुया. डेविल्स पावर नहीं तो शैतान की शक्ति चाहिए. नहीं डेविल्स पावर शैतान की शक्ति चाहिए क्या आपको. शैतान की शक्ति चाहिए क्या आपको. डेविल मिलमिले दूरतना शैतान जी धीरे धीरे घुस रहा है. चला केयरफुल होना बहुत ही जो होशियार रहना है. चलिए आपको फूड आइटम थोड़ा धीरे दूरतना जय खाने की पदार्थों के जरिए भी घुसता है वो कारण मनुष्य अमायकिंग ने भी लगा कर ये मॉडल वन पद्धति निरंतर शैतान जो इंसानों को मासूम समझकर अनेक प्रकार के तरीके डाल रहा है. वाड ये मना बैठे वो चाहे कुछ भी डाले. दानियल का विस्तार सामान का जय दानियल का जो ज्ञान है वो सामान के पास है. आगे विस्तार में कुना वही स्वर्ग से पाने वाला वो ज्ञान नहीं तो इस दुनिया से मिलने वाला दुनिया का ये ज्ञान. दैव परलोक ज्ञान कावला भू संबंध हमारा ज्ञान कावला. परलोक ज्ञान चाहिए नहीं तो इस दुनिया का ज्ञान आपको चाहिए. परलोक संबंध ज्ञान अंते अन्नीते मन स्कैन చేస్తాం. जय परलोक का ज्ञान जब हम पाते हैं तो इस सारी बातों का हम स्कैन करते हैं. सब बातों को स्कैन करते हम जान जाते हैं. शैतान की जो है गुटी में ना गिरे हम. हालेलुया. इसलिए तांत्रिक कहते हैं खबरदार रहो क्योंकि उनके पास खुदा की उंगली जो दिख रही है. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
పరిశుద్ధుడ గొప్ప దేవ మంత్రాలకు మరి ఏడోటి భోజనము అతన్ని పెట్టుకుని ఉంటాను పోటీ అంటే మంత్రాలు భయపడి పోటీ పడిపోతున్నారు మోసారామని ఇళ్ళకుపోతున్నారు మోసారాల దేవుడు చెయ్యి పోలు హోలు అని బాలి సాక్షి భూమిపై మంత్రాలు సాక్షిని చెప్తున్నారు దేవుడు బిడ్డలు దేవుని యొక్క చేయి కలిగి ఉండదు తన పత్తి బిడ్డ దేవుని చేయి కలిగి ఉండదు మీ పరిశుద్ధమైన మార్గం నడుచుకుందాక లోకముకు అపవిత్రమైన మార్గాలు గుర్చిపోతుందాక మీ శక్తిని అక్కడ మీ శక్తి అపరిచిపడుదాక ఉద్ధరించి మరి సంతోషంగా ఉండాల్సిన విషయాలు అందరూ ఆమేన్.